हेलो फ्रेंड्स, सर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर वी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइल कंप्रेशन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, फाइल कंप्रेशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपका इंटरनेट स्लो है या फिर आपके पास है कोई बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल, तो ऐसे को उसे शेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो फाइल कंप्रेशन की हेल्प से जो साइज़ है उसका वो छोटा हो जाता है और आप जो है अपनी फाइल को बहुत जल्दी शेयर कर सकते हैं अपने उसी ट्रेडिशनल नेटवर्क के ऊपर। तो ऐसे में जो बात आती है, हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल उठा हो कि ये फाइल कंप्रेशन जो होती दरअसल कैसे, किस तरीके से, आखिर क्या टेक्नोलॉजी होती है जिस वजह से ये एक बड़ी साइज़ की फाइल एक छोटी साइज़ की फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। और साथ ही साथ मैं बात करूँगा एक गेम के बारे में जिससे कि मैं इंटरनेट में बहुत ज़्यादा देखा, GTA 5, जिससे कि आप लोग सभी लोग आप वाकिफ़ होंगे। बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर गेम है ये, जिसका साइज़ है, अगर आप ओरिजिनल गेम इसे खरीदेंगे तो इसका साइज़ आपको देखने को मिलता है 60 GB या 65 GB तक का। लेकिन यहाँ पर इंटरनेट पे कुछ कुछ जगहों पे देखने को मिलता है GTA 5 को हाईली कंप्रेस करके 2 MB में, 3 MB में, 4 MB में, ऐसे कर करके वो अपनी वेबसाइट के जो है वेबसाइट पर इस तरीके की पोस्ट डालते हैं। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा यहाँ पर रीपैक्ड गेम्स के बारे में, जो रीपैक्ड गेम्स आपको देखने को मिलते हैं, उस तरीके के जो गेम्स होते हैं उनको किस तरीके से ओरिजिनल गेम से लेस स्टोरेज को घेरने के लिए बनाया जाता है, यानी जो ओरिजिनल गेम्स होते हैं उससे कम साइज़ के गेम को जो है रीपैक्ड गेम किस तरीके से बनते हैं, उस बारे में आपसे बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फाइल कंप्रेशन जो है वो दरअसल एक अलग अलग फाइल्स के लिए अलग अलग आप कह सकते हैं। जो नॉर्मल फाइल्स होती हैं उनके लिए आप फॉर एग्जांपल टेक्स्ट हुआ या कोई भी मीडिया हुआ, वीडियो या इमेज या फिर कोई भी आपका म्यूजिक हुआ, कुछ भी हुआ है, तो इन सभी में जो है एक बेसिक तरीके की कंप्रेशन एल्गोरिथम की यूज़ किया जाता है। और उस एल्गोरिथम में होता क्या है, ये जो सारी फाइल्स होती हैं उनके अंदर के डेटा को एनालाइज किया जाता है, और उसके अंदर के डेटा को एनालाइज करने के बाद देखा जाता है कि स्पेसिफिक टाइप की जो चीज़ है वो कितनी बार रिपीट हो रही है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल पता ही है, टेक्नोलॉजी में सिर्फ दो चीज़ों का यूज़ होता है, 0 और 1 का। कोई भी किसी भी तरीके की फाइल हो, चाहे वो गेम हो या फिर वो म्यूजिक हो या वीडियो हो, कोई टेक्स्ट फाइल हो या कुछ भी हो, इंटरनेट पे कुछ भी हो या आपकी कंप्यूटर में जो भी स्टोर होता है, आपके पीसी में जो भी स्टोर होता है, आपके मोबाइल में जो सब कुछ स्टोर होता है, वो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो ऐसे में जो डेटा कंप्रेशन, जो ट्रेडिशनल डेटा कंप्रेशन होता है, वो देखता है आपके 0 और 1 के सीक्वेंस को, उसे एनालाइज करने के बाद एक स्पेसिफिक तरीके से उसे जो है कंप्रेस करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, कोई एक फाइल है जो बनी है 1 1 1 0 1 1 1, यानी कि 4 1 है, बीच में 1 0 है और 4 1 है, तो यहाँ पर जो 4 बार 1 है वो रिपीट हो रहा है 2 बार। तो ऐसे में मैं क्या करूँ, 1 1 1 1 को 4 बार 2 बार ना लिख करके 1 1 1 1 जो लिख रहा हूँ मैं, उसे 1 की पावर 4 लिख दूं, जिससे कि जो है एक जगह जो आप देख सकते हैं काफ़ी कम हो जाएगी दोनों साइड्स पे। मैं जो है अगर जगह कम कर दूंगा तो ऐसे में जो है इसे कहेंगे कंप्रेस्ड फाइल, यानी कि जो 4 बार में 1 लिख रहा था एक जगह पे, वहां पर मैं सीधे 1 to the power 4 लिख दूंगा, और इधर भी जो है 1 to the power 4 लिख दूंगा। तो ऐसे में होगा क्या, आप मान लीजिए ये एक हार्ड ड्राइव है हमारी, जिसमें हमारे पास इतना स्पेस है, इतना जो है हमारे फाइल का स्पेस है, जिसमें कि 4 बार 1 0 और 4 बार 1 है। अब इतना स्पेस घेर रही है, इतना हमारा हार्ड ड्राइव का स्पेस है, तो ऐसे में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा एक्वायर कर रही है। लेकिन यहीं अगर मैं 1 जो 4 बार लिखा हुआ है उसे दोनों जगह पर 1 to the power 4 कर दूं, तो जो साइज़ है वो इतना रह जाता है, इतना रह जाता है साइज़, और हमारे हार्ड ड्राइव का जो साइज़ है वो इतना है, तो ऐसे में जो हमें बीच में बहुत सारा स्पेस देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है एक नॉर्मल फाइल कंप्रेशन वर्क करता है। लेकिन जो अब बात आती है, यहाँ हमने जो कंप्रेस किया 1 to the power 4 को, अब कंप्यूटर के पास ऐसा कोई लॉजिक नहीं है हमारे सिर्फ कंप्यूटर के पास कि वहाँ उसे पता हो कि 1 to the power 4 को 4 बार 1 लिखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे में जो है कंप्रेस करने के साथ साथ हमें एक डिक्शनरी को भी वहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है कि ये जो फाइल है मैंने इस तरीके से कंप्रेस की है,
कि इस फाइल में अगर चार बार कहीं वन लिखा हुआ है तो उसे मैं चार बार जो वन है उसे मैंने 1 to the power 4 लिखा है। तो यहाँ पर अगर आपको कहीं भी कंप्यूटर को बोला जाता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कि अगर इस कंप्यूटर को कहीं भी 1 to the power 4 लिखा हुआ दिखेगा तो डिकम्प्रेस करते वक्त वो 1 to the power 4 को 4 बार 1 लिखेगा। इस वजह से क्या होता है, हमने कंप्रेस करके छोटा कर दिया साइज, लेकिन जब हम डिकम्प्रेस करते हैं तो वापस से वही ओरिजिनल साइज हमें और ओरिजिनल फाइल हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो है बेसिक जो काम होता है एक कंप्रेस करने का फाइल को, वो इस तरीके से होता है। और मैं बात करूं यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा था GTA 5 गेम के बारे में, तो यहाँ पर जो गेम है जो उसका एक्चुअल साइज है वो है 65 GB। ऐसे में अगर गेम को 2 MB में कंप्रेस करना पड़े तो ऐसा मैं क्या कोई भी इसे नहीं कर सकता। ये बेहद इम्पॉसिबल बात है क्योंकि 65 GB में गेम में बहुत सारे टेक्सचर्स होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऑडियोज होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे इमेजेस होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे टेक्सचर्स, शायद मैंने बता दिया, टेक्सचर्स होते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ DLCs भी होती हैं और बहुत कुछ वहाँ पर देखने को मिलता है। वहाँ पर आपको जो आपके वहाँ पर प्लेयर होता है उसकी स्किन देखने को मिलती है, यानी जो मॉडल है पूरा वो मॉडल देखने को मिलता है। और ऐसा भी नहीं है GTA 5 में कोई एक मॉडल हो, मॉडल बहुत सारे होते हैं अलग अलग तरीके के, जो है आपने वहाँ पर इंसान देखे होंगे GTA 5 गेम्स में। तो ऐसे में इतनी वेराइटी ऑफ पॉपुलेशन को, इतना बहुत सारे टेक्सचर्स को, इतने बहुत सारे मूवीज को, उसके अंदर जो छोटी छोटी बीच में क्लिप्स आपको देखने को मिलती है मिशन पूरे करते वक्त, उसके में जो ऑडियो रिकॉर्ड करके वहाँ पर डाला जाता है वो ऑडियो, और जो बाकी सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उन सभी को कंप्रेस 2 MB में बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी आपको आइडेंटिकल डेटा देखने को नहीं मिलता है। या 1 1 1 जो मैंने 4 बार 1 और दोबारा से 0 के बाद 4 बार 1 था वो एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ इस गेम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप सिमिलैरिटी इस गेम में ढूंढेंगे तो देखने में बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगी। और वैरायटी ऑफ डेटाज होते हैं, वैरायटी ऑफ फाइल्स होती हैं यहाँ पर गेम में, म्यूजिक होता है, टेक्सचर होता है, DLC फाइल्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में इन सभी को कंप्रेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। 2 या 4 इवन 100 MB में भी कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है, 500 MB में भी कंप्रेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये रीज़न तो था इस गेम को, अगर आपको कहीं भी इंटरनेट पे ब्राउजिंग करते वक्त इस तरीके का कुछ भी देखने को मिले तो बिल्कुल भी अपना डेटा उस जगह पे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना लार्ज साइज़ वाला गेम इतने छोटे साइज़ में कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता है। और अब बात करें रीपैक्ड गेम्स की, जो कि पायरेटेड गेम्स होते हैं ब्लैक बॉक्स के, RG मैकेनिक्स के, और भी बहुत सारे होते हैं। इन ये जो गेम्स होते हैं ये किस तरीके से कंप्रेशन जो है वो कंप्रेशन की प्रोसीजर को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो है बहुत एक किसी एक तरीके का प्रोसीजर को यूज़ नहीं किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया गेम्स में टेक्सचर्स फाइल्स होती हैं, टेक्स्ट होता है, लैंग्वेज होती है, आपको सब टाइटल्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो रीपैक्ट करने वाली जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ही कह लेते हैं, ये जो होते हैं कंपनीज, वो जो है इन गेम्स को अलग अलग तरीके से, क्योंकि अलग अलग फाइल्स हैं तो उन्हें कंप्रेस करने का अलग अलग तरीका यूज़ किया जाता है, और फिर भी ये जो गेम्स होते हैं वो इतने कंप्रेस नहीं हो पाते हैं कि आप जो है उन्हें 2 MB, 4 MB, 100 MB में कर पाएं। खैर बात करते हैं इसमें ये जो गेम्स है रीपैक करने के तरीका, जो उस बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो रीपैक कंपनीज हैं ये रीपैक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल वे में करती हैं। यहाँ जो है आपको टेक्सचर्स जो देखने को मिलते हैं मिनिमम रेजोल्यूशन से देखिए हाईएस्ट रेजोल्यूशन तक के टेक्सचर जो हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर गेम को लो सेटिंग्स पे खेलते हैं तो अगर आप एक्चुअल गेम को देखेंगे तो एक्चुअल गेम जो है लोएस्ट सेटिंग पे इतना लो नहीं होता है जितना आप रीपैक्ड गेम्स में देखने को मिलता है। तो साफ साफ जाहिर है कि जो है वहाँ पर आपके टेक्सचर्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जो टेक्सचर्स होते हैं उन्हें डिलीट कर दिया जाता है, जो ओरिजिनल गेम्स होता है उसमें आपको टेक्सचर्स देखने को मिलते हैं, जो रीपैक्ड गेम होता है उसमें टेक्सचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो टेक्सचर्स है उन्हें डिलीट कर दिया जाता है, साथ ही साथ जो गेम है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में मिलता है तो वो लैंग्वेजेस को भी डिलीट कर दिया जाता है। मैक्सिमम इंग्लिश तो मोस्टली बस रहती ही है, इंग्लिश के साथ साथ शायद आपको फ्रेंच या डच देखने को मिल जाए, क्योंकि यही कुछ लैंग्वेजेस हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती हैं। तो इन लैंग्वेजेस को छोड़ के बाकी लैंग्वेजेस को हटा दिया जाता है। कुछ गेम्स होते हैं जिसमें आपको सबटाइटल्स देखने को मिलते हैं, वरना रीपैक्ड गेम्स में मैक्सिमम जगह पर सबटाइटल्स को भी हटा दिया जाता है। और बात करें यहाँ पर आपको गेम्स में जो इमेजेस देखने को मिलती हैं, जो
इमेजेस की क्वालिटी के साथ भी आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि रिपैक्ट गेम्स में जो इमेज की क्वालिटी है उसे भी डाउनग्रेड कर दिया जाता है। तो ऐसे में इमेज क्वालिटी भी आपको लो आप महसूस तो नहीं कर पाएंगे अगर आप इस गेम को जो रिपैक्ट गेम है उसे बड़ी स्क्रीन पे बड़े स्क्रीन साइज़ पे देखेंगे। तो ऑब्वियसली आपको जो गेम में जो पिक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं वो पिक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रेजोल्यूशन की नहीं मिलेंगी, उन्हें डाउनग्रेड कर दिया जाता है। और साथ ही साथ बात करें वीडियो की, जो गेम्स में वीडियोज़ होती हैं बीच में जो छोटी छोटी क्लिप्स आपको देखने को मिलती हैं वो सारी क्लिप्स जो हैं उन्हें भी डाउनग्रेड कर दिया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को डाउनग्रेड कर दिया जाता है। वो जो गेम्स के अंदर की क्लिप्स होती हैं उन्हें कर दिया जाता है एनकोड, एनकोड करने के बाद उन्हें उनके साइज़ को लो कर दिया जाता है, उसके रेजोल्यूशन को कम कर दिया जाता है, जिससे कि ऑब्वियसली क्लिप्स जो होती हैं गेम्स में बहुत सारी क्लिप्स होती हैं, तो ऐसे में क्लिप्स के साथ छेड़छाड़ करने से हमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है कंप्रेशन में। और साथ ही साथ ऑडियो को भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं, ऑडियो में भी ये जो बिटरेट है उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। अगर आपको नहीं पता है बिटरेट के बारे में तो प्लीज़ थोड़ा सब्र कीजिए, अगली इसके बाद जो वीडियो आएगी वो ऑडियो बिटरेट के बारे में आएगी, मैं आपको बताऊंगा ऑडियो बिटरेट के बारे में। बस आप इतना समझिए कि जो ऑडियो क्वालिटी आपको देखने को मिलती है वहाँ पर सुनने को मिलती है, ऑब्वियसली यार कौन देखता कौन है ऑडियो क्वालिटी, तो वहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी आपको सुनने को मिलती है वो आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक हाई एंड पीसी को यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि एक हाई एंड साउंड सिस्टम है तो वहाँ ऑब्वियसली आपको बिटरेट की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो छोटे मोटे जो पीसीज में अगर आप रिपैक्ट गेम्स खेलते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा गेम में, लेकिन अगर आप एक हाई एंड पीसी के साथ, एक हाई एंड रेजोल्यूशन वाले मॉनिटर के साथ, हायर रिफ्रेश रेट वाले मॉनिटर के साथ और बड़ी स्क्रीन पर अगर आप गेम खेलेंगे तो आपको बहुत सारी जगहों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि रिपैक्ट गेम्स में बहुत सारी फाइल्स के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, कुछ फाइल्स को डिलीट किया जाता है, कुछ फाइल्स के साथ उसे क्वालिटी को डाउनग्रेड किया जाता है। इस वजह से जो है गेम में चेंजेस आते हैं और जो गेम का साइज़ है वो लो हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कोर पैक के बारे में, तो कोर पैक ने जो है GTA 5 को कंप्रेस कर दिया है 30 GB में, जो कि आप रिपैक्ट डाउनलोड रिकमेंड तो नहीं करूँगा, ऑब्वियसली परचेज कीजिए गेम को, सपोर्ट कीजिए गेम डेवलपर्स को। और बस फ्रेंड्स आज आज की वीडियो में बस इतना ही है, आई होप आपको पता चल गया होगा फाइल कंप्रेशन किस तरीके से वर्क करती है, और फाइल कंप्रेशन में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर 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 लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। मेरी कोई भी नॉलेज होती है मैं आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे जरूर दबा लीजिएगा, बराबर मिलेगा आपको एक बेल आइकन, जिसे दबाने से होगा ये कि अगर मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखिए।